आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यही से कर्नल जी, हमने एक और ऐसी कम्युनिटी है जिसके ऊपर इस समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट आते हुए देखी है, वो है प्याज। प्याज किसानों की इस वक्त जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रही है। मंडियों में 50-50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपये किलो तक प्याज की खरीद हो रही है किसानों से, जो व्यापारी अभी कर रहे हैं, और वही प्याज आगे आम जनता को महंगा करके बेच दिया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आगे प्याज में कैसा रुझान रहेगा, क्योंकि इससे भी पहले आपने ही प्याज किसानों को जानकारी दी थी और उनको बचाया था? देखिए, प्याज के ऊपर मैं आपको याद होगा कि सबसे पहले जब जुलाई अगस्त के आसपास प्याज यही स्थिति थी जो आज है, उस वक्त हमने कहा था कि इस भाव में माल खरीदना उचित है, और उसके बाद प्याज ने करीबन 3,000, 3,200, 3,800, 4,000 तक के भाव अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बाजारों में देखे गए। और उसके बाद फिर जब ये तेज हो गए थे तो हमने कहा था कि ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है माल बेचने का, और जो भी कारोबारियों ने हमारी सुनी या जो भी जो हमारे क्लाइंट्स थे प्याज के, जो अच्छे बड़ा कारोबार करते थे, उन्होंने ऊंचे दाम के अंदर अपना माल तकरीबन क्लियर कर लिया। और धीरे धीरे देखिए बाजार के भाव फिसल के, जो 3200 के भाव चल रहे थे, 2800 के भाव चल रहे थे अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, और आज उनकी स्थिति क्या है, मुझे लगता है कि प्याज के अंदर और गिरावट आ सकती है। प्याज में गिरावट आ सकती है, और ये जो स्टेट चुनाव हैं उससे पहले प्याज के अंदर बेहताशा बड़ी गिरावट आ सकती है। यूपी के जो विधानसभा के चुनाव हैं और दूसरे राज्यों में हैं, उससे पहले प्याज बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आने की संभावना है। ये जो अगले मलट मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को मैं देना चाहता हूं, तो आप उसी हिसाब से कारोबार देखें संडे। जी अखिलेश जी, जी आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।